इस वीडियो में डॉम के बारे में बात करेंगे, और डॉम में एक नया वो करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक लाइव पेज कैसे जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर एक सीएसएस करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सीएसएस करता हूँ जिसका नाम होगा क्लास का अलर्ट। ध्यान दो सब लोग, अलर्ट, और उसके अंदर में कुछ चीज़ें डाल देते हैं, जैसे पैडिंग डाल देते हैं थोड़ा सा 15 पिक्सल का पैडिंग, और बॉर्डर लगा देते हैं ताकि बॉर्डर हो थोड़ा सा सॉलिड कलर, और कोई ब्लैक कलर या ग्रे कलर डाल देते हैं। बॉर्डर रेडियस हो थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस करीबन 4-5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा मुझे जो टेक्स्ट कलर होगा उसका, वो मैं डाल देता हूँ 00EEFF स्काई ब्लू कलर का, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं डाल देता हूँ स्लेटी कलर का। ठीक है, वह जो भी यूज़ करना चाहता हूँ कर सकते हैं। ये सीएसएस हो गया। इसका एक मतलब है कि इसका अगर एचटीएमएल बनाएंगे तो क्लास लगाएंगे एचटीएमएल हेड, और इसमें स्ट्रॉन्ग लगाकर इस तरह से लिखूंगा वाओ, और उसके बाहर निकल के योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन। ठीक है, ऐसा कोई मैसेज दे देंगे। तो ये बेसिकली आउटपुट देखें अगर इसका हम, तो ये कैसा मैसेज दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइट ग्रे कलर होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन कलर में ले आते हैं, टिल लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, नहीं बोल्ड नहीं करेंगे, और फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, ये अपने मन से जो हम चेंज कर सकते हैं। देखो ठीक है मैसेज, तो हम चाहते हैं ये है कि एक्चुअली ये जो हम काम किए हैं, ये बनाए हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ये जो हम लोग बनाए हैं ये हम जावास्क्रिप्ट से बनाना है, मतलब HTML का कोड भी जावास्क्रिप्ट करेगा, यानी H1 बनाएगा, डिप बनाएगा, जावास्क्रिप्ट बनाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट के कोड में। देखो ध्यान से, यहाँ पे डिव नाम से, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक फंक्शन होता है, जैसे एलिमेंट यानी कि HTML का टैग को बनाने का तरीका। तो कौन सा एलिमेंट बना रहे हो? डिव टैग बना रहे हो। उसके बाद तुम उसमें डाल सकते हो कि उसके अंदर में चाइल्ड नोड चेक करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट टेक्स्ट नोड नोड, और लिखते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड करके एक फंक्शन होता है क्रिएट टेक्स्ट नोड, और देखो दिस इज मी, अच्छा मतलब चेक करने के लिए। तो ये बेसिकली मेरा वो हो गया। अब मैं मैसेज बनाता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैसेज बना रहा, देखो डिव डॉट उसका क्लास नेम, क्लास नेम डायरेक्ट होता है जिसे आप क्लास डाल सकते हो, क्लास का नाम क्या होगा? अलर्ट। यही काम को आप ऐसे लिख सकते हैं क्लास लिस्ट डॉट एड अलर्ट, है ना, तो आप क्लास नेम शॉर्टकट होगा आपके लिए प्रॉपर्टी जिसमें आप डायरेक्ट डाल के उसका क्लास का नाम बता सकते हैं, क्लास का नाम क्या होगा? अलर्ट होगा, जिसे सीएसएस लागू हो जाएगा, और उसके अंदर क्या लिखना है वो बता सकते हैं। तो div डॉट और इनर HTML, अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो इनर टेक्स्ट और HTML उसके अंदर लिखना है, जैसे मुझे स्ट्रॉन्ग लगाना है, स्ट्रॉन्ग टैग था उसमें, तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकता हूँ आराम से, और यहाँ पे लिख सकता हूँ वाओ, वही मैसेज वाओ, और इसके बाद ये टैग खत्म होने के बाद योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से मैसेज बना सकते हैं। तो ये क्या बना? इनर एस्टीमेट था डिव के अंदर, डिव बना था पहला लाइन में, उसके अंदर क्या डाले? टेक्स्ट डाल दिए। अब वो टेक्स्ट जो हम लोग डाल दिए उसको यूज कर रहे हैं। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखो, तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर लगाना चाहता हूँ, तो मैं पूरा लिखूंगा इस तरह से। देखो ये जो आप नोट देख रहे थे ना, क्रिएट नोट टेक्स्ट नोट, ये आपको नहीं दिखेगा बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लास्ट में कैसे डालना है। तो किसके अंदर डालना है? डॉक्यूमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर, अपेंड एज ए चाइल्ड भी कर सकते हैं, अपेंड फंक्शन भी है, अपेंड चाइल्ड, अपेंड भी लगा, दोनों लगा सकते हैं, और किसको डालना है आउटपुट देखिए। मैंने एचटीएमएल से कोई काम नहीं किया, मैंने सारा काम किससे करवाया? जावास्क्रिप्ट से। इवन डॉम कैन क्रिएट द एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल, और सीएसएस लगाने के लिए मैंने क्लास लगा दिया, वो सीएसएस पे अप्लाई हो गया। यहाँ तक कि जितने सीएसएस यहाँ से किए हैं आप, सेम चीज जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, बट वो चीज ऐसा होगा कि नेल कटर आपके पास है और लेकिन कैंची से नाखून काट रहे, ठीक है, तलवार से। खैर, तो ये बेसिकली एक कंसेप्चुअल बात होगा जैसे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, खैर ऐसे कई एग्जांपल हैं जो हम लोग बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।
उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। किसी भी एचटीएमएल टैग को एचवन बनाना है, एचवन बनाना है। एक और एग्जांपल देखो, एचवन बना के हम इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हम एचवन बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हेडिंग और लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ डाल दिया किसको बनाना है, एचवन टैग को। टैग का ही नाम लिखिएगा, कुछ और लिखिएगा तो काम नहीं करेगा, लिस्ट आती है उसमें, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर क्या डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, इनर एचटीएमएल, ज़्यादा नहीं कुछ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको कहाँ सेट करना है, डिव के अंदर डालना है या डिव के बाहर, मैं दोनों दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, और ये देखिए कहाँ लगाया, अपेंड का मतलब होता है बाद में लगाना, प्रीपेंड का मतलब होता है पहले लगाना। तो आपका पहले वो लगा हुआ था, बाद में लगाया तो ये लगा। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको कोड का अरेंजमेंट वैसे कर दीजिए कि ये बाद में लगे, तो क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। लेकिन आप प्रीपेंड भी कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर भी लगा सकते हैं। तो प्रीपेंड भी लगा सकते हैं और बिफोर आफ्टर, देखो प्रीपेंड इट्स वर्किंग। तो प्रीपेंड मतलब पहले लगाना, अपेंड मतलब बाद में लगाना, बहुत अच्छा। इस तरीके से अपेंड चाइल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाए डिव के अंदर बनाने का, डिव के अंदर एच1 चाहिए आपको लगाना है, कोई बात नहीं लगाइए। देखिए कैसे करना, यहाँ पे आपको लिखना है डिव डॉट अपेंड, डिव के अंदर चेक करो, अपेंड मतलब लाइन के बाद आया, प्रीपेंड मतलब आपको पता है, अपेंड की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रीपेंड, समझ में बात। तो हम किसी भी जगह पे घुसा सकते हैं, यही हेलो वर्ल्ड, सेम हेलो वर्ल्ड आपको ऊपर में यहाँ दिखाना है डॉक्यूमेंट में। तो क्या कैसे चेंज करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू सक्सेसफुल पेमेंट पेज, ये लिखना चाहते हैं, देखो सक्सेस पेमेंट पेज चेंज हो गया। यानी जावास्क्रिप्ट में आप पूरा एचटीएमएल एज वेल एज पूरा सीएसएस, इवन आप पूरा एचटीएमएल लाइव प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट उसको जरूरत तब पड़ती है जब आप उसको डायनेमिक करना चाहते हैं। स्टैटिक सब आप एचटीएमएल से ही बना के आते हैं, जावास्क्रिप्ट में इस सब कामों की जरूरत तब पड़ेगी जब आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जब आप लाइव क्रिएट करना चाहते हैं। लाइव क्रिएट का मतलब ये होता है जब आप क्लिक करें तो काम कर जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ, देखिएगा सिंपल सिंपल एग्जाम्पल। मेरे पास एक इनपुट टैग है, मेरे पास क्या है, इनपुट टैग है, चलिए इनपुट टैग मेरे पास एक भी नहीं है, बस बटन है, बस बस बटन के ऊपर लिखा हुआ है ऐड इनपुट। ऐसा आप एचटीएमएल में नहीं कर सकते, इसलिए जावास्क्रिप्ट से क्यों करना है ये हम बता रहे हैं। आप एक फंक्शन आते हो नॉर्मली, फंक्शन कॉन्स्ट फन, फंक्शन का नाम फन, एरो फंक्शन, और ये देखो फंक्शन आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो हमको इनपुट टाइप चाहिए, ठीक है। इनपुट नाम बताया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद उसके अंदर टाइप सेट कर दिया टेक्स्ट, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट से कर सकते हैं ना, उसके उसके अंदर में कोई वैल्यू डालना है तो डाल सकते हैं, प्लेस होल्डर डालना डाल सकते हैं। अब ये नेम है, ठीक है, ये प्लेस होल्डर हटा देते नहीं तो सब में सेम सेम हो जाएगा। अब मैं ये फन को अपेंड करूंगा किस में बताइए, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड इनपुट, है ना, करूंगा जो इस फंक्शन को मैं इस बटन के ऊपर लागू करता हूँ, ऑन क्लिक लागू कर दिया, क्या नाम है फन। अब देखिए ये बटन पे क्लिक करने के साथ एक इनपुट आ जाएगा, आया। अब जैसे मैं दोबारा क्लिक करूँ तो एक और आ जाएगा, ये काम आप एचटीएमएल से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो डेटा है सॉरी यहाँ पे मैं सीएसएस थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके लिए कि इनपुट टैग के ऊपर कैसे काम करना है। और ये बटन को अपेंड कर रहे हैं कैसे, देखिए ये दिखा हुआ है बॉडी अपेंड चाइल्ड, यानी चाइल्ड सबके बाद अपेंड हो रहा है। अगर आपको पहले करवाना है तो अपेंड पहले ट्राई करो, देखो से कुछ चेंज आता है क्या, अपेंड देखो, ठीक है। अगर आपको प्रीपेंड कराना है तो मेरे बटन से पहले आएगा, आ रहा। मैं बटन को नीचे लेते आता हूँ, ठीक है, बटन का थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, क्लास नेम बीटीएन, ठीक है, मैं सीएसएस में लिखता हूँ डॉट बीटीएन, और यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका, चलो थैंक यू, ठीक है, इसका थोड़ा सा मुझे बटन चाहिए, ठीक है, सुंदर सा बटन। और इसके बाद इनपुट के बारे में, तो इनपुट का जो टैग होगा उसके बारे में सीएसएस, तो उसमें बॉर्डर लग जाए, बैकग्राउंड कलर लग जाए, वगैरह वगैरह सब तैयार है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इतना बड़ा बटन बन के आ गया, बट ये नीचे चाहिए मुझे, बी आर लगा सकते हैं हम इसको, हालांकि हम बी आर लगाना ही सबसे सही रहेगा शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो अब देखिए, सॉरी ये बी आर यहाँ लगेगा तब ना वो अलग अलग आएगा, देखिए
देखा आपने, तो ये बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट इनवॉइस में ऐड किया, इनवॉइस का सिनेरियो समझ लो, इनवॉइस है, आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया, एक प्रोडक्ट और ऐड करना है, तो आपके लिए बटन होना चाहिए जो आपको और ऐड कराएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हम एचटीएमएल में, हमको जावास्क्रिप्ट से डायनेमिक बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको लाइव प्रोजेक्ट बिल्डिंग बोलते हैं। लाइव बन रहा है, आप एचटीएमएल चेक करोगे तो इसके अंदर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बट ये बन रहा है, आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट में दिखेगा आपको, सोर्स में नहीं दिखेगा। देखिए इनपुट इनपुट, ये तो हमने बनाया, ये तो लग रहा है कि हम बनाए क्या, नहीं, देखो यहाँ पे क्लिक करने पे एक और बढ़ा, क्लिक करने पे एक और बढ़ा, क्लिक करने पे एक और बढ़ा, एक और बढ़ा, एक और बढ़ा, ये बढ़ कौन रहा, ये जावास की बढ़ा रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरह का फंक्शन को बना सकते हैं और उसके एक्चुअली नाम भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।